हेलो एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इज आर करेक्ट। सो गाइस, यहाँ पर हम बक्सर के युद्ध की बात करेंगे और आई थिंक बक्सर के युद्ध से ऑलरेडी आप लोग अवेयर हैं, जो 1764 में लड़ा गया था। थ्री इंडियन पावर्स ने मिलकर अंग्रेजों के साथ ये युद्ध लड़ा था। अब इस युद्ध के आउटकम यानी इस युद्ध के जो रिजल्ट हुए, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे देखना है स्टेटमेंट्स में और बताना है कि इनमें से कौन सा आउटकम है जो करेक्ट है और कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट वाले हमें बताना है। ब्रिटिश मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल फॉर सेकेंड टाइम। तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को एक बार फिर से बंगाल का नवाब बना दिया सेकेंड टाइम, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट टाइम कब बनाया था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बनाया था, और उसके बाद उन्हें डिथ्रोन या डिपोज करके फिर मीर कासिम उनके दामाद को बनाया गया था। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड देखिए, द विक्ट्री मेड द इंग्लिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत की सुप्रीम पावर के रूप में क्या हो गए, बन गए। ठीक है, एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में बन गए। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने मुगल बादशाह को, अवध के नवाब को और मीर कासिम को हराया। ठीक है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट ऑफ दीवानी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार भी प्राप्त हुए। दैट ऑलरेडी भी डिस्कस्ड दैट कि मुगल बादशाह ने दीवानी अधिकार दे दिए थे कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दीवानी ओवर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका मतलब ये होता है दीवानी का कि फाइनेंशियल राइट्स, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। सो गाइस, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव वर द करेक्ट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।